अच्छे मानसून की बारिश की बाट जो रहे थारवासियों में इन दिनों भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह से तेज तन झुलसाती गर्मी से हर आम और खास परेशान है। सोमवार को सुबह से शुरू हुआ तेज गर्मी का दौर सूर्य की तेज किरणों के साथ बढ़ता ही गया। दोपहर के समय सूर्य की तेज किरणों और तन झुलसाती गर्मी के कारण मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। हालांकि दोपहर बाद बादलों की आवाजाही तो शुरू हुई लेकिन बारिश नहीं हुई। दिन भर भीषण गर्मी और उमस की वजह से लोग बेहाल नजर आए। सर्दी बाढ़ में बढ़ते तापमान ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सुबह 10 बजते ही तेज धूप से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्मी और उमस के चलते बाजारों में भी चहल पहल कम है। शाम के समय कुछ भीड़ बाजारों में दिखाई देती है। गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आती है। लोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के साथ साथ लू और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। पिछले सप्ताह हुई प्री मानसून की बरसात के बाद लोगों को भीषण गर्मी से बचाव की उम्मीद थी लेकिन वह उम्मीद सप्ताह भर के अंदर अंदर धूमिल हो गई। अब तेज गर्मी और उमस के कारण लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। भीषण गर्मी और उमस को लेकर ठंडे पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक सरहदी बाड़मेर में जुलाई के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है। सोमवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आलम यही रहा तो आगामी सप्ताह में गर्मी लोगों का और हाल बेहाल करेगी। बहरहाल गर्मी और उमस से लोगों के कंठ सूख रहे हैं। हर कोई बेहाल दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी घनी बड़े 45 ऊपर ही है। कितनी तकलीफ है? 45 डिग्री ऊपर ही है। कितनी तकलीफ है? खास घनी तकलीफ है। क्या करें, बारवासी है, कोई साधन है नहीं। बैठे हैं बिल्कुल, लाइट भी टेम ना हुआ, आवको नहीं। कितने दिनों बिना बरसात भी हुई थी? बरसात अभी थोड़ी सी हुई है पर रात नहीं मिली। इस भीषण गर्मी में दोपहर के समय गर्म लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। बाड़मेर शहर के मार्ग और बाजार सुनसान दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए हर कोई ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने पर मजबूर हो रहा है। शहर के मार्गों और बाजारों के साथ साथ बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या में कमी नजर आ रही है।